इस्लाम के अलावा और भी दूसरे मजहब है जो ये मानते हैं कि इंसानियत एक जोड़े से पैदा हुई है, सारी इंसानियत एक जोड़े से बनी है, आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा। इस बात को ईसाई भी मानते हैं, लेकिन ईसाइयत में यह सिखाया जाता है कि इंसानियत गुनाह में पैदा हुई है और इसके कसूरवार है औरत। वो कहते हैं कि बीबी हव्वा ने आदम अलैहिस्सलाम को फल खाने पर मजबूर किया, बहकाया, इसीलिए इंसानियत गुनाह में पैदा हुई। अब वो सारा इल्जाम औरत पर डालते हैं। इस्लाम में हम मानते हैं कि सारी इंसानियत एक जोड़े से बनी है, आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा से। लेकिन जब आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुरान में कहीं भी इल्जाम सिर्फ औरत पर नहीं डाला गया। आप अगर कुरान पढ़ेंगे, अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नाफरमानी का इल्जाम दोनों पर बराबर डाला गया है, आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा पर। कुरान में अल्लाह बारे ताला फरमाता है, सूरह आराफ 100 नंबर 7 आयत नंबर 19 से 27 तक अल्लाह बारे ताला आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा का जिक्र 12 मरतबा से ज्यादा करता है, और इन आयतों में कहता है कि दोनों ने अल्लाह बारे ताला की नाफरमानी की, दोनों ने तौबा की और अल्लाह बारे ताला ने दोनों को माफ किया। इल्जाम दोनों पर बराबर लगाया गया है। कुरान मजीद में कोई एक आयत नहीं है जहां सिर्फ औरत या बीबी हवा पर इल्जाम लगाया गया है, लेकिन कुरान मजीद में एक आयत है, सूरह ताहा 100 नंबर 20 आयत नंबर 121, जहां सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है और कहा जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बात नहीं मानी। लेकिन अगर आप कुरान को मुकम्मल तौर पर पढ़ेंगे तो इल्जाम दोनों पर बराबर है, औरत पर भी और मर्द पर भी, आदम अलैहिस्सलाम पर भी और बीबी हवा पर भी। और जब हम पढ़ते हैं बाइबल, ईसाइयत की किताब, इसमें लिखा है बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16, इसमें लिखा है कि खुदा औरत को एक सजा देता है, और जो ये प्रेगनेंसी है, हमल ठहरना, ये एक औरत के लिए सजा है। बाइबल में लिखा है कि मैं तेरा दर्द भरा हमल बढ़ाऊंगा, खुदा कहता है औरत से, तू दर्द में बच्चों को जन्म देगी और तेरी ख्वाहिश तेरे शोहर की होगी। तो इससे ये पता लगता है कि प्रेगनेंसी, हमल ठहरना, एक सजा है औरत के लिए। लेकिन जब हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, कुरान में अल्लाह बारे ताला फरमाता है सूरह नाम 100 नंबर 6 आयत नंबर 151, अल्लाह बारे ताला फरमाता है कि अपने वालिदैन की इज्जत करो और अच्छा सलूक, बेहतरीन सलूक करो उनके साथ। और सूरह लुकमान 100 नंबर 31 आयत नंबर 14, जहां अल्लाह बारे ताला फरमाता है, और हमने इंसान को उसके माँ बाप के मामले में ताकीद की, उसकी माँ ने दुख पर दुख उठाकर, तकलीफ पर तकलीफ उठाकर उसे पेट में रखा और 2 वर्ष में उसका दूध छुड़ाना हुआ, कि तू मेरा शुक्र कर और अपने वालिदैन का मेरे ही तरफ लौट कर आना है। और सूरह अहकाफ 100 नंबर 46 आयत नंबर 15, अल्लाह बारे ताला फरमाता है, और हमने इंसान को हुक्म दिया कि वह अपने मां बाप के साथ भलाई करे, उसकी मां ने तकलीफ के साथ उसे पेट में रखा और तकलीफ के साथ उसे जना और उसे पेट में लिए रहना और दूध छुड़ाना 30 महीने में हुआ। हमें कुरान पढ़ने पर यह पता चलता है कि प्रेगनेंसी, क्योंकि औरत इंसान को जन्म देती है, इसलिए उसकी इज्जत और करो। इस्लाम ने
प्रेगनेंसी की वजह से औरत की इज्जत और बढ़ाई है। हमल की वजह से इस्लाम में औरत की इज्जत बढ़ती है, ना कि घटती है। अल्लाह के नजदीक इंसान को जांचने का मियार जिंस नहीं है, ये नहीं है कि वो मर्द है या औरत। इंसान को जांचने का मियार अल्लाह बारी ताला ने कुरान में दिया। अल्लाह बारी ताला ने कुरान में बताया कि इंसान को जांचने का मियार क्या है। अल्लाह बारी ताला फरमाता है सूरह जुरात में 49 आयत नंबर 13, अल्लाह बारी ताला फरमाता है, ऐ लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हें कौमों और खानदानों में तकसीम कर दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। बेशक अल्लाह के नजदीक तुम्हें सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जिसके पास तकवा है। बेशक अल्लाह जानने वाला, खबर रखने वाला है। अल्लाह के नजदीक इंसान को जांचने का मियार तकवा है, ये नहीं कि उसका जिंस क्या है, वो मर्द है या औरत। ये नहीं कि उसका रंग क्या है, ये नहीं कि उसकी जुबान क्या है। अल्लाह के नजदीक इंसान को जांचने का मियार है तकवा। तकवा, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, हर बुरे काम करते वक्त जो उसे रोकता है हर बुराई से। तकवा हर बुरे काम से रोकता है, तकवा अल्लाह का खौफ। और कुरान में सूरह आले इमरान 103 आयत नंबर 195, अल्लाह बारी ताला तुम में से किसी का अमल जाया करने वाला नहीं, चाहे वो मर्द हो या औरत। और सूरह अहज़ाब 133 आयत नंबर 35, बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें, फरमाबरदार मर्द और फरमाबरदार औरतें, रास्तबाज मर्द, रास्तबाज औरतें, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, आजीजी करने वाले मर्द और आजीजी करने वाली औरतें, खैरात करने वाले मर्द और खैरात करने वाली औरतें, रोजे रखने वाले मर्द और रोजे रखने वाली औरतें, अपने नफ्स की निगहबानी करने वाले मर्द और अपने नफ्स की निगहबानी करने वाली औरतें, बहुत ज्यादा अल्लाह का जिक्र करने वाले और जिक्र करने वालियां, उन सब के लिए अल्लाह ताला ने वसी मगफिरत और बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। और सूरह नहल 16 आयत नंबर 97, अल्लाह बारे ताला फरमाता है, जो शख्स कोई नेक काम करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, बशर्ते कि वो मोमिन हो, तो हम उसे जिंदगी देंगे, एक अच्छी जिंदगी, और जो कुछ वे करते रहे हम उन्हें उसका बेहतरीन बदला देंगे। इन आयतों से हमें पता चलता है अच्छे अमाल चाहे मर्द करो या औरत, उसको बेहतरीन बदला मिलेगा। बुरे अमाल चाहे मर्द करो या औरत, उसको उसकी बुरी सजा मिलेगी। अल्लाह बारी ताला उसको बुरी सजा देगा। अच्छे काम का अच्छा बदला, बुरे काम की बुरी सजा।